सब्सक्राइब कीजिए 0 to 9 चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास बेस्ड है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम और एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी इज एडवोकेटेड बाई। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है, इसका पक्षधर कौन था? तो इसका आंसर है हटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आवडी सेशन ऑफ द कांग्रेस 1956 एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ। कांग्रेस के आवडी अधिवेशन 1956 में किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर है सोशलिस्टिक पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी, समाज का समाजवादी ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी हेडेड बाई होम सेक्रेटरी एन बोहरा इन 1993। गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला था? तो इसका आंसर है नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस क्रिमिनल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, मीन्स राजनीतिज्ञों अपराधियों और नौकरशाहों के बीच सांठगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्थ चटर्जी हैज कमेंटेड दैट द लेटेस्ट फेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल विल विटनेस एंड अमर्जिंग अपोजिशन बिटवीन। पार्थो चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में किनके बीच विरोध नजर आएगा? इसका आंसर है मॉडर्निटी एंड डेमोक्रेसी, आधुनिकता तथा लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धर्मशाला मॉडल ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका आंसर है राजकृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 1963 कामराज प्लान वाज इनिशिएटेड बाय नेहरू। सन 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू क्यों किया? तो इसका आंसर है टू रिसीव कांग्रेस पार्टी कमिटमेंट्स, कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन। नकारात्मक प्रेरणा इनमें से किस पर आधारित होती है? तो इसका आंसर है फियर, यानी कि डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमोन वाज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ। इनमें से किसके विचारों से सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित था? तो इसका आंसर है बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेथोडोलॉजी प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट सिमोन। हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है? तो इसका आंसर है लॉजिकल पॉजिटिविज्म।
Next question is, who among the following thinkers rejected the principle of administration as myths and proverbs? इनमें से किस विचारक ने मिथकों और लोकोक्तियों को एक रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया? तो इसका आंसर है हर्बर्ट सिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जोन ऑफ इनडिफरेंस इज एसोसिएटेड विथ। जोन ऑफ इनडिफरेंस की संकल्पना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्कॉलर हु एनालाइज्ड लीडरशिप एज सर्कुलर रिस्पॉन्स। इनमें से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में विश्लेषित किया? तो इसका आंसर है एमपी फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन स्टेट डायमेंशन ऑफ वारफेयर इज आल्सो कॉल्ड। युद्ध के गैर राजकीय आयाम को यह भी कहते हैं। तो इसका आंसर है पोस्ट वेस्टफेलियन वारफेयर, मींस उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेहरान डिक्लेरेशन ऑफ 1 दिसंबर 1943 ड्रू अ प्लान फॉर। 1 दिसंबर 1943 की तेहरान उद्घोषणा में इनमें से किसकी योजना बनाई गई थी? तो इसका आंसर है पीस कीपिंग, मींस शांति कायम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइंड द टर्म फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला कौन है? तो इसका आंसर है डेविड मित्रेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज ऑफिशियली एंडोर्स्ड इन अक्टूबर 2010 बिटवीन CEPA के CEPA को निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शासकीय मंजूरी अक्टूबर 2010 में दी गई? तो इसका आंसर है इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक स्टेबल पीस। स्टेबल पीस नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? तो इसका आंसर है केनेथ बाउल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एनोसिएटेड इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्कूल्स ऑफ थॉट, रियलिज्म, रैशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनिज्म, मीन्स 3 विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका आंसर है मार्टिन वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट पॉलिटिकल थ्योरी कंटेन्स फैक्टर्स ऑफ 3 काइंड्स, द फैक्चुअल, द कैजुअल एंड द वैल्यूएशनल, मीन्स इनमें से किसने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित तथा मूल्यात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है GH सेवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज इन द डॉग हाउस इन द 1950s। 1950 के दशक में निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत डग हाउस में चला गया है? तो इसका आंसर है राइमर।
Next question is, who among the following said, we cannot shed our values in the way we remove our coats? इन में से यह किसने कहा है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं? तो इसका आंसर है डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? इनमें से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है? तो इसका आंसर है वोगेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हूज आइडियाज आर समटाइम्स रेफर्ड एज मैनचेस्टर लिबरलिज्म? किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका आंसर है रिचर्ड कॉबडेन एंड जॉन ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम होम डिड होब्स बोरो द प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूटिव कंपोजिट? होब्स ने रेजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे लिया? इसका आंसर है गैलीलियो। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, हु सेड जे रूसो इज द फादर ऑफ जैकोबियन डिस्पोटिज्म ऑफ सीजेरियन डिक्टेटरशिप एंड द इंस्पायरर ऑफ द एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ कांत एंड ऑफ हेगल? यह किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सीजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट और हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूगेट। तो दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। We'll be right back.